हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम बनाएंगे नेट डिजाइन। इसके लिए हमने बुकरम ले ली है। बुकरम की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। इसको हम डबल में फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। तो ये मार्किंग करी है हमने 2-3 इंच पे, और नीचे की तरफ 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको हम इस तरह से लाइन अप करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें हम हल्का सा गोलाई का निशान लगाते हुए राउंड शेप दे देंगे। फिर हम दूसरा निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। इसी प्रकार गोलाई बनाते हुए, जिस तरह हमने नेक डिजाइन की गोलाई बनाई है, उसी तरह हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से। फिर हम एक और मार्किंग करेंगे 1-1 इंच की दूरी पे। ये हम 1-1 इंच की दूरी पे थर्ड मार्किंग कर रहे हैं, इस तरह से। हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बाहर वाली एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे, इस तरह से। और फिर हम ये बड़ा वाला नेक कट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये हम जो फर्स्ट में नेक निशान लगाया था, तो उसे कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। तो इसको हम अलग रख देंगे, क्योंकि इस वाले को हम कागज पे कट करेंगे ड्रॉ करके, और इसे हम एक कपड़े पे पेस्ट करके इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। और ये हमने पेस्ट कर लिया है, इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेंगे, इस तरह से। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, ताकि हमारा इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे डिजाइन लाते रहें। तो ये हमने बीच में कट कर लिया है, और हम कुर्ती के कपड़े पे इसे अटैच करके सिलाई चला लेंगे, इस तरह से। हमने इस पे सिलाई चला लेनी है, जैसे सिंपल नेक डिजाइन करते हैं उस तरह हमने सिलाई चला ली है। और अब हम सिलाई के बगल में एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को कट कर लेंगे। इसको हम फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से प्रेस से बैठा लेंगे, ये देखो। और अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। और ये हमने लेस ली है, और अब हम इसमें मोटी सिलाई चला करके इस लेस को अटैच कर लेंगे, इस तरह से। तो हमें ये पूरी लेस इसमें अटैच कर लेनी है, चारों तरफ नेक के। तो इस तरह से हमने ये लेस अटैच कर ली है। और अब हमने ये कागज ले लिया है, और जो हमने ये नेक कट किया था,
वो ले लिया है। इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से निशान लगाएंगे कागज पे। ये नेक का डिजाइन हम सेम लगाएंगे बिल्कुल, और ये नीचे की साइड से हम 1.25 इंच का गैप छोड़ करके निशान लगाएंगे ताकि इस पे एक्स्ट्रा कट सके। इस तरह से हम 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। अब हम इस कागज को कट कर लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के लगाया था निशान, उस पे हम कट करेंगे इस तरह से। और ये नेक की साइड भी इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारा नेक शेप में कागज कट कर तैयार हो गया है। और अब हम लेंगे नेट। तो ये हमने नेट का कपड़ा ले लिया है 5 इंच चौड़ा, एक लंबा सा कपड़ा लिया है, ये देख सकते हैं। और अब हम इसे कागज पे रखते हुए इस तरह से चुन्नट भरते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस तरह से चुन्नटे डालते हुए हम सिलाई चलाते जाएंगे, और ध्यान रहे ये कागज फटे ना, इस तरह से आपको सिलाई चलानी है। ज्यादा खींचतान नहीं करनी है ताकि कागज सेफ रहे। इस तरह से हमें चुन्नट डालते हुए इसके चारों तरफ ये नेट का डिजाइन बना लेना है। तो फ्रेंड, आपको मेरी डिजाइन कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से हमें ये नेट जॉइंट कर लेनी है। तो ये मैंने कंप्लीट कर ली है एक साइड से सिलाई लगा करके, और अब मैं नेक की तरफ भी इसी तरह सिलाई चला लूंगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो चुन्नटें तो हमारी ये सेम हो ही गई हैं दूसरी तरफ भी। अब बस सिलाई चलाना बाकी है। तो ये फ्रेंड, नेक डिजाइन बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाता है और एकदम यूनिक अलग हटके है। और हम अब इस एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से कट करना है, सिलाई चलानी है ताकि ये कागज फटे ना, क्योंकि इससे क्या है गले की शेप बहुत अच्छी आ जाती है। वैसे तो बाद में फाड़ना ही होता है, हटाना ही होता है ये, लेकिन डिजाइन इसी के उससे बनानी पड़ती है। तो ये हमने एक्स्ट्रा नेक काट लिया है तरह से। अब हम उरेव कटा हुआ 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे लंबा सा, और इस पे इस तरह से इस कपड़े को सिलेंगे किनारे किनारे मशीन चलाते हुए इस तरह से। इस तरह से हमें नेक पे ये उरेव पट्टी लगा लेनी है। तो फ्रेंड, इसी तरह हमें मशीन चलाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब सीधी तरफ हमें सिलाई चलाते हुए इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कपड़े की चौड़ाई एक सार आए, कहीं चौड़ी कहीं पतली ना आए। देखो इस तरह फिनिशिंग के साथ ये लगकर तैयार हो जाती है। ये देखो हमारा नेक डिजाइन कुछ इस तरह बन चुका है।
और अब हम ये कपड़ा लेंगे, 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा। इस तरह से खूब सारा कपड़ा काट लिया है और इसे हम कोने से कोना मिलाकर इस तरह से त्रिकोण टाइप बना लेंगे। और इस तरह से रखते हुए सिलाई चलाते जाएंगे, डिजाइन बनाते हुए कुछ इस तरह से। इस तरह से हम ये किनारे किनारे सारे डिजाइन्स लगा लेंगे। इस तरह से तो फ्रेंड मेरी नेक की डिजाइन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इस तरह हमने ये डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने जो कुर्ती पर नेक डिजाइन बनाकर रखा था कपड़े पर, उसको हम ले लेंगे और बीचों बीच एक पिन सेट करते हुए इस तरह इस पे किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे। हमें इस तरह सिलाई चला लेनी है तरह से। इस तरह से हमें सिलाई चला करके अपनी नेक डिजाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आपको अच्छे अच्छे डिजाइन मिलते रहें। तो इस तरह हमने ये नेक डिजाइन कंप्लीट कर लिया है सिलाई चलाते हुए। इस तरह से तो फ्रेंड ये मैंने नेट दूसरे कलर की लगाई है, आप सेम कलर की भी लगा सकते हैं। तो कुछ मेरे डिजाइन इस तरह से आया। आपको मेरी नेट डिजाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।